गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया है। चलिए, ईश्वर करे, अल्लाह करे, राम करे, रहीम करे, जिसको आप मानते हैं, सब आपको आशीर्वाद बनाए रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। लेकिन पढ़ें, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, ना नोट्स बन रहा है और ना ये बुक आप सम्मुख रख के पढ़ते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? परिस्थिति को आप देख रहे हैं, अवगत हैं। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई का यही एक माध्यम है। अगर पढ़ना चाहते हो बेटा, तो बार बार इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो देखिए आप, उसको ध्यान से देखें, शब्दों पे गौर करें, व्याख्या को गौर करें, किताब, कॉपी, कलम सब सम्मुख रख लीजिए। अपने से भी आप लिखने का प्रयास करें, जो पढ़ाया जाए उसको लिखा करिए। बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, यदि पढ़ना चाहें तो, और नहीं पढ़ना चाहें तो कोई भी तरीका नहीं है, सारे तरीके फेल हैं। याद करिए, पिछले क्लास में मैंने आपको दोहावली का छह तक पढ़ा दिया था, छह दोहे तक पढ़ा दिया था। आज हम आपको सातवें से पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जान रहे हैं। दोहों की पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। कैसे अपने दोहों के माध्यम से आपको अपने विचारों से अवगत कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सातवें में देखिए, सातवां है, ये दोहा पूरी तरह से आपको समर्पित मैं करता हूं। सातवां दोहा कहते हैं ना बेटा, कि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करते होंगे, करते ही नहीं है, होंगे की बात छोड़ दीजिए। हर चीज आप जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन जानते हुए भी कि ये गलत है, और अगर उस राह पर फिर चल रहे हैं, तो फिर तो आपको समझाना बेवकूफी है। गुटखा जान रहे हो खाने से कैंसर होता है, लेकिन ये सोच कर भी भक्षण कर रहे हो कि अरे जो होगा सो देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा, देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप जान रहे हो फिर भी उस चीज को, उसका पान, उसका भक्षण हुआ रहा, आधा घंटा बाद आए बोला। तो फिर आप बताइए, ये आप पे है कि नहीं है? लागू है ना? तो तो ठीक है, दोहा क्या है देखिए, सातवां। जो सुन समझ अनीत रत, जागत रहे जिसो, उपदेशी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होए। कितनी बढ़िया बात इन्होंने बताई। जो सुनता है समझ, समझता है लेकिन फिर भी अनीत रत। अनीत का अर्थ होता है बच्चों, जो नीत के योग्य न, यानी बुरे कार्य। अरत माने लगातार या लगा रहता है। अर्थ क्या निकला? जो सुनता है, समझता है और बुरे कार्यों में लगातार लगा रहता है, जागत रहे जो सोए। सोए माने हुआ है, वह जागते हुए भी सोए हुए के समान है। इसी को आप दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि वह ज्ञान से युक्त होने पर भी अज्ञानियों के समान है। तो दोनों अर्थ आप कह सकते हैं। पूरी पंक्ति मिला लीजिए, जो सुनता है, समझता है लेकिन फिर भी बुरे कार्यों में लगा रहता है, ऐसे लोग जागते हुए भी सोए हुए के समान रहते हैं। स्पष्ट हो गया? क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? उपदेश वो, ऐसे लोगों को उपदेश देकर जगाई वो, जगाना तुलसीदास जी कहते हैं उचित न होए, उचित नहीं होता है। दोनों मिला लीजिए, जो सुनता है, समझता है लेकिन फिर भी बुरे कार्यों में लगा रहता है, ऐसे लोग जागते हुए भी
सोए हुए के समान होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन लोगों को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं होता है ना। आसान ये आसान तब है जब आप मन से हैं। नेक्स्ट, बरसत हर्षत लोग सब कर सत लख न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोहोय। बच्चों एक प्रश्न का उत्तर हमको दीजिए कि जब बारिश की जरूरत होती है, बरसात की आपको सख्त आवश्यकता है कि नहीं बरसात होनी ही चाहिए, और अगर मान लीजिए बरसात हो गई तो आप किसका धन्यवाद देते हो बताइए? किसकी प्रशंसा आप करते हैं या किसे धन्यवाद देते हैं, किसे बधाई देते हो आप? इंद्र को, वायु यानी पवन को, या बादल को? यही ना। लेकिन आपको पता है कि बरसात होने का कारण कौन होता है? बोलिए, बरसात होने का कारण कौन होता है? जी हाँ, बरसात होने का कारण सूर्य देव है। अरे उन्हीं के तो ताप से जल वाष्प बन के ऊपर जाता है। लेकिन बच्चों क्या कभी किसी ने सूर्य को बधाई दिया है या देता है कि बारिश झमझमा के बारिश हुई, जय हो सूर्य देव, बड़ी आपकी कृपा है कि यह बरसात हुई? कोई नहीं करता है ना। ऐसे ही कार्य कर रहे सूर्यदेव, लेकिन उनको कोई बधाई नहीं देता। ऐसे ही बेटा एक प्रजा का सौभाग्य तब होता है जब उसका राजा भी प्रजा के हित में कार्य करे, लेकिन प्रजा को पता भी न लगे कि वह कार्य मेरी भलाई में कौन कर रहा है। अर्थ क्या है? बरसत, जब बरसात होती है, हर्षत, सभी लोग प्रसन्न यानी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोग सब यानी सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अकर्षत लखय न कोई, कर्षत माने कारण, लखय न माने देखता नहीं है, कोई माने कोई, कोई उस बरसात होने के कारण को नहीं देखता। तो कौन कारण है? सूर्य। वक्त बनाइए, जब बरसात होती है तो सभी लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं, लेकिन बरसात का कारण कौन है इसे कोई देखता नहीं है। तो बरसात का कारण सूर्यदेव होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा सुभागते, सुभाग माने सौभाग्य, कि प्रजा का सौभाग्य तभी है जब भूप माने राजा, भानु माने सूर्य, जब राजा भी सूर्य के समान, भानु सो होई, सूर्य के समान हो जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा का सौभाग्य तब होता है जब राजा भी सूर्य के समान हो जाता है। स्पष्ट हुआ? दोनों मिला लो। कि जब बरसात होती है तो सभी लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं, लेकिन बरसात का कारण कौन है इसे कोई देखता नहीं है। तुलसी कौन है कारण? बरसात का कारण सूर्यदेव है। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा का सौभाग्य तब है जब राजा भी सूर्य के समान हो जाता है। स्पष्ट है? नेक्स्ट, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बे गही नास। कौन कौन है? मंत्री गुरु और वैद्य। वैद्य माने डॉक्टर, ये तीन है।
यही ना, मंत्री गुरु और वैद्य। स्पष्ट हो गया कि मंत्री गुरु और वैद्य यानी डॉक्टर जो प्रिय बोले, जो माने यदि, प्रिय माने मधुर, बोले माने बोलते हैं, भय आस, भय माने भय, आस माने होकर, यानी भय में आकर या भय भी होकर। क्या वाक्य बना कि मंत्री गुरु और वैद्य यानी डॉक्टर यदि भयभीत होकर भय में आकर मधुर बोलते हैं, ठीक, तो क्या होगा, राजधर्म तन, मंत्री से राज्य का, गुरु से धर्म का, और डॉक्टर यानी वैद्य से तन, यानी राज्य धर्म और शरीर, इन तीनों का बेगह नाश, बेगह माने शीघ्रता से नाश हो जाता है। दोनों मिला लीजिए, मंत्री गुरु और वैद्य यानी डॉक्टर यदि भय में आकर मधुर बोलते हैं, तो मंत्री से राज्य, गुरु से धर्म, वैद्य डॉक्टर से शरीर, इन तीनों का शीघ्रता से नाश हो जाता है। लास्ट, तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन। बच्चों इतनी सी मेरी शिक्षा याद रख लीजिए, यदि आपकी अच्छी बात को सुनने वाला जब कोई ना हो तो कभी कहना नहीं चाहिए। कितना बढ़िया उदाहरण दिया, तुलसी पावस, पावस माने वर्षा ऋतु के समय, धरी माने धारण कर लेती है, कोकिलन माने कोयले, मौन माने मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयले मौन धारण कर लेती हैं, क्यों, अब तो दादुर बोली हैं, दादुर माने मेढक, बोली है माने बोलेंगे, हमें पूछी हैं कौन, यानी कोयल कहती है कि हमें, मुझे अब कोई नहीं पूछेगा, क्यों, अरे भाई मेढक, बरसात में जब मेढक बोलते हैं देखे हो, इतना कठोर, इतना कर्कश बोलते हैं, टर टर करते हैं, तो ऐसे में कोयल की मधुर ध्वनि कोई सुन सकता है नहीं। किताबी अर्थ में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयले मौन धारण कर लेती हैं, वे कहती हैं कि अब तो चारों तरफ मेढक कठोर ध्वनि में टर टर बोलेंगे, ऐसे में मेरी वाणी को सुनने वाला कोई नहीं है। अन्वय कर लो, ज्ञानी लोग कहते हैं, सज्जन लोग कहते हैं कि दहां जहां अज्ञानता या दुर्जनों का बोलबाला हो वहां मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चरित वाणी सुनने वाला वहां कोई नहीं आ जाएगा। बस आज इतना ही, कल आपको अगली क्लास में हम आपको विनय पत्रिका पढ़ाएंगे। थैंक यू।